अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हमारी छोटी बहन घर पर आई हुई है, उनको ये नुएरा ने यानी नोवी जिन्हें हम कहते हैं छोटी वाली, इन्होंने रो रो कर बुलवाया है कि नहीं आना है आना है, तो वो आई हैं क्योंकि पास में ही रहती हैं। जब ज़्यादा फोर्स करो तो फिर आ भी जाती हैं, कभी खुद से भी टहलने आ जाती हैं, कभी हम लोग चले जाते हैं। तो आज उनको स्पेशली नुएरा ने बुलवाया है। अब वो आई हैं तो इन लोगों की बहुत चांदी है क्योंकि उनको जो है बच्चों के आइटम बड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों के लिए कर लें, अपी ऐसे कर दीजिए, अपी ये कर दीजिए, आज ये करते हैं। हम तो आ गए किचन में अपने इफ्तार की तैयारी करने के लिए, जिसके लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा यानी तकरीबन 250 ग्राम चिकन लिया और हमने उसका मोटा मोटा सा कीमा बना लिया है। फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके वही कीमा डाल दिया और नमक मिर्च डाल दिया और उसको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा ढक करके 10-15 मिनट पका लिया ताकि गल जाए। फिर उसके बाद उसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। हम मिर्च डालना भूल गए थे तो हमने बाद में डाल दिया। जब वो गल कर तैयार हो गया, पानी सारा भुन गया यानी जो उसकी स्मेल आती है वो चली गई, तो फिर हमने उसमें थोड़ा सा हल्का मोटा कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल दिया और डालने के बाद फिर हमने उसको पका लिया है। हमें तो थोड़ा पानी कम लग रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छा सा चिकन जो है सॉफ्ट रहे। अगर आपको पानी सही लगता है तो आप ना भी डालें तब भी चलेगा। और जब तक हमारा कीमा गल रहा है हमने इधर चने चढ़ा दिए हैं, और चने हमने ये सुबह में भिगो दिए थे जो इस वक्त भून कर तैयार हो गए हैं। और चने हम बना रहे हैं झटपट वाले, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बाद में सिर्फ चढ़ाने के बाद हल्के से जब गल जाएँ तो भूनना होता है। होता यह है कि इसमें हम तेल, नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज कच्ची सब डाल देते हैं और डालने के बाद सीटी लगा कर चढ़ा देते हैं। 10-15 से 20 मिनट गलते हैं और उसके बाद फिर ये तैयार हो जाते हैं। हल्का सा पानी हो तो थोड़ा सा भून लो सब। तो यहाँ पर चने हमने अपने सब तैयार कर लिया, हर चीज़ डाल करके बस गैस पर चढ़ा देंगे और 15 मिनट के बाद हम इन्हें उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गई और चेक कर रही हैं कि हम क्या बना रहे हैं। ढक्कन खोल करके बता रही हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खैर, फिर हमने अपना सामान समेट दिया जो हमने फैलाया था। अब देखा तो हमारा चिकन गल चुका था। ये देखिए बिल्कुल पानी अनीब नहीं बचा है इसमें, बस इसको ऐसे हल्का सा दबा दबा करके चला लेंगे ताकि टमाटर जो हैं जो थोड़े खड़े हुए हैं वो उन थोड़े गल जाएं, मिल जाएं उसी के अंदर। और फिर हम इसमें 2-3 चम्मच जो है टमाटो सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। क्योंकि मेरे पास था नहीं तो हमने ज़्यादा झंझट किया नहीं, क्योंकि बच्चों ही को खाना था तो हमने टमाटो सॉस डाल दिया। हमारे बच्चों को टमाटो सॉस भी बहुत पसंद है, इससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आपके पास चीज़ है तो वो डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि हमारे पास, हम ज़्यादा झंझट करते नहीं, हमारे पास चीज़ और ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो जो जो चीज़ें थी हमने वो डालकर बना दिया, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बारी आई ब्रेड कट करने की, तो अब मुजना और नुएरा सब के लिए तो ये तमाशा हो गया। हम कट करेंगे, कट करना आए या ना आए, सब हैंड वॉश कर करके आई हैं और बैठी हैं जल्दी से कि हम कट करेंगे। नुएरा ने कट किया, अब मुजना की बारी कह रही है हम कट करेंगे। नुएरा चली दूसरा गिलास लेने के लिए कि नहीं हम दूसरे गिलास से कट कर लेंगे, क्योंकि इनको गोल गोल कट करना होता है और उन्हीं के बीच में हम चिकन रख करके इसको बनाते हैं। तो यहाँ मुजना और नुएरा दोनों अपने अपने ये कट कर रही, वैसे मेरा भी काम आसान हो गया, हमको कट नहीं करना पड़ा। और फिर इसका जो जायद वाला हिस्सा जो बच रहा है आइट साइड से, वो लगता है देखने में कि ये ज़ाय हो जाएगा, इतनी सारी ब्रेड बर्बाद हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको जो है हम मिक्सर में डाल करके पीस लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। और इसी में हम क्या है, इनको जो चिकन भर करके जब फ्राई करेंगे तो उसी में डिप करके करेंगे। ये देखिए नुएरा कितना यहाँ खुश हो रही है कि हमने कट कर लिए, हमने कट कर लिए। फिर हमने ये मैदे का एक घोल यहाँ पर तैयार कर लिया है ताकि ये अच्छे से चिपक सके, वरना जब हम दो आपस में चिपकाएंगे तो खुलने का भी अंदेशा रहता है। बीच में हमने एक स्पून जो लकड़ी के होते हैं वो लगा दिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक हो तो आप वो लगा दीजिए। इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा था कि इसको स्टिक भी बोल सकते हैं, इसको लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल लॉलीपॉप की जैसी होती है। लेकिन जो हकीकतन चिकन लॉलीपॉप होते हैं वो तो दूसरे ही होते हैं जो लेग पीस से तैयार होते हैं। बहरहाल ये बच्चों को अच्छा बहुत लगता है देखने में भी, और जो चीज़ बच्चों को देखने में अच्छी लगे वो खाते ज़रूर है। वैसे तो बड़ी नौटंकी होती है, हम ये नहीं खाएंगे। अब इसमें भी तमाशा है कि नहीं हम बनाएंगे। तो खैर हमने इनको एक बनाकर दिखा दिया कि देखिए ऐसे बनते हैं, तो अब ये लोग भी बनवा रही हैं साथ में और साथ में हम भी लगे हुए हैं कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो हम यहाँ पर हम सब ने मिल करके सारे तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद फिर हम इनको लेकर किचन में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सब बनकर तैयार हो गए। ये एक ब्रेड है जो थोड़ी सी टूट गई थी, तो उसको भी हमने थोड़ा सा जोड़ लगा करके बना लिया है कि चल जाएगी।
तो ये तैयार हो गए, तो इन्हें लेकर के हम किचन में आ गए हैं ताकि इनके फ्राई करने की तैयारी शुरू करें। फ्राई करने के लिए हमने सबसे पहले दो अंडे ले लिए हैं और उनको एक बाउल में तोड़ कर डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और नमक मिर्च ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे खूब कायदे से कि सब यकजान हो जाए। फिर इसके बाद हम अपने जो ये लॉलीपॉप्स हैं इनको इसमें डिप करेंगे, और जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाया था उसमें खूब अच्छे से इसको डिप कर देंगे, अच्छे से दबा दबा करके, ताकि उसमें खूब कायदे से चिपक जाए। इसी तरीके से हम सारे बनाकर रख लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बाद में भी फ्राई करें, लेकिन फ्राई आप खाते वक्त ही करें, वरना बाद में ये मुलायम हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ये सब हमारे तैयार हो गए, तो हमने अपना कुकर खोल कर देखा, चने भी हमारे बिल्कुल तैयार थे। इनको भी हमने हल्का सा भून लिया, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फिर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और नींबू डाल करके हमने इसे सर्व कर दिया। मुझना चनों को जो बॉल्स में डाल रही थी, तो हमने दूसरी तरफ सारे ये चिकन लॉलीपॉप्स जो हैं वो हमने फ्राई कर लिए। ये देखिए डीप फ्राई कर रहे हैं, बहुत जल्दी से हो जाते हैं, बस तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए अच्छे से, अगर ठंडा होगा तो फिर ये कुरकुरे नहीं होंगे। आज किचन में बहुत धूम है हमारे, क्योंकि मारिया है किचन में, तो सारे बच्चे साथ ही साथ उनके लगे हुए हैं। ये देखिए मुजना भी हैं और नुएरा भी बार बार आ जा रही हैं कि अम्मी हम कुछ करेंगे, अम्मी हम भी कुछ करेंगे, और चूँकि वक्त इफ्तार का करीब आ गया है तो सब हेल्प भी कर रहे हैं, कोई पानी रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हम इन्हें गर्मा गर्म तल रहे हैं। ये देखिए हमारे सारे फ्राई होकर के रेडी हो गए हैं। अब हमने जो आलू उबाले थे, मारिया ने उसका भरता बना करके बॉल्स बना दिए थे, तो हम उनके पकौड़े तैयार कर रहे हैं। अब ये सारे तैयार हो गए, तो हमने दस्तरखान लगा दिया। ये देखिए इस तरीके से हमारा दस्तरखान तैयार हुआ है। नुएरा मुजना यहाँ पर दुआ मांग रही हैं, और अभी मारिया कुछ कर रही हैं, शायद अपनी बिटिया के पास हैं, अभी वो भी आ जाएंगी, और बेटे तो अभी बाहर हैं, बस आने ही वाले हैं वो लोग भी। तो आज की वीडियो का यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।